गोदावरी किचन में आप सब लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं नवरत्न पुलाव बनाने जा रही हूँ। हम पुलाव बनाने के लिए हम कुकर लिया है और कुकर में हम घी डाल रहे हैं, 2 चम्मच घी डाल रहे हैं। सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेते हैं। इसमें 2-2 चम्मच काजू, पिस्ता, बादाम और अखरोट है, इसको हम डाल रहे हैं और इसको हम फ्राई कर लेते हैं। और किशमिश है, इसको भी हम 2 चम्मच डाल रहे हैं और इसको भी अच्छे से मिला कर भून लेते हैं। ड्राई फ्रूट हमारा फ्राई हो गया है, अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम कुकर में और उसी घी में हम 2 तेज पत्ता है और इसमें हम गरम मसाला, साजीरा है, जीरा है, मीठी लकड़ी है, काली मिर्च है और इलायची है, बड़ा इलायचा है, इसको हम डाल रहे हैं और थोड़ा सा इसको हम भूनने देंगे। और इसमें हम 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है, इसको डाल रहे हैं, कूट के डाल रहे हैं। इसमें हम 3 हरी मिर्च है, लंबा लंबा काटे हैं, और 1 बड़ा प्याज है, इसको डाल रहे हैं। प्याज मिर्ची को अच्छा से भूनने देते हैं। पहले प्याज हमारा हल्का भुना गया है, इसको ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि साथ में हमको सब्जी भी डालना है, 1 पाव गोभी है, इसको हमने धो लिया है अच्छा 2-3 बार और काट के छोटे छोटे करके गोभी को डाले हैं। और 1 गाजर है, इसको भी हम छील लिए हैं और छीलने के बाद धो के डाल रहे हैं। 1 गाजर है बड़ा सा, 1 आलू है, इसको भी हम धो के काट लिए हैं और डाल रहे हैं और सबको अच्छा से हम भूनेंगे। आँच मीडियम में रखेंगे, इसको हम ढक के सब्जी को 2 मिनट के लिए पकाते हैं। हमारा फ्राई कर रहे हैं जब तक हम 1 चम्मच घी डाल के पनीर को फ्राई कर लेते हैं। पनीर हमारा 1 पाव है, इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। हम इसको खोल के बीच बीच में चम्मच चला लेंगे ताकि ये सब्जी भी अच्छा से फ्राई हो जाएगा। फिर ढक देंगे और 1 मिनट के लिए रख देंगे। हमारा फ्राई हो गया, अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसमें हम 1 चम्मच हल्दी डाल देते हैं और 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक 2 चम्मच डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। और इसमें हम 2 चम्मच शाही बिरयानी मसाला डाल रहे हैं। आप चाहें तो नॉर्मल जो गरम मसाला है उसको भी डाल सकते हैं इसमें। और सब को हम अच्छे से मिला लेते हैं मसाला को। और 2.5 कप बासमती चावल है, उसको हम धो के रख दिए थे, इसको हम डाल रहे हैं। हमने चावल को धो के 20 मिनट के लिए रख दिया था और इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। इसमें हम 1 कप मटर है फ्रोजन वाला, इसको डाल रहे हैं और जो फ्राई किए थे ड्राई फ्रूट उसको डाल रहे हैं। पनीर है, इसको डाल रहे हैं, रखे हैं उसको भी डाल रहे हैं, अच्छा ज़्यादा धनिया पत्ती डाल रहे हैं। इसमें हम पानी डाल रहे हैं। हमारा 2.5 कप चावल था तो हम चावल से 1.5 गुना ज़्यादा पानी डाल रहे हैं।
और एक बार अच्छा से पूरा चम्मच चला के मिला लेते हैं। इसमें हम आधा नींबू का रस डाल रहे हैं ताकि चावल अच्छा एकदम फरफरा रहता है, चिपकता नहीं है, एकदम खिला खिला रहता है, इसलिए चला देते हैं। और हम बंद कर देते हैं कुकर का ढक्कन और फुल आंच में एक सीटी के लिए पकने देंगे। प्रेशर ठंडा हो गया है, हम खोल लेते हैं। और हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। एकदम मस्त खिला खिला दिख रहा है। हमारा नवरत्न पुलाव बन के तैयार है, बहुत अच्छा खिला खिला दिख रहा है। और हमेशा दाल चावल खा के बोर हो जाते हैं तो होटल जाने का मन करता है, तो घर में ही बनाइएगा, खाइएगा और अपना अनुभव मेरे गोदावरी किचन में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।